स्वागत है दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का मार्केट की दुनिया के अंदर धूम मचाने वाले शो और आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों बात कर रहे हैं ई रिक्शा की, वापस हम जो है अपने मेहमानों का रुख करते हैं। अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, ई रिक्शा का पर अब लोन भी उपलब्ध होने लगा है, लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन आपने जैसी जानकारी दी कौन कौन से बैंक से जो लोन उपलब्ध करा रहे हैं और आगे किस तरह की योजना है और बैंक के साथ टाई अप करने की। मैं आपको बताना चाहूंगा लवली जी, जिस तरह आपको पता है कि आजकल रिक्शा जो गरीब घर का है वो रिक्शा आज पूरा कैश देके नहीं ले सकता, वैसे हमारा आज साथ दे रहे बैंक, कुछ प्राइवेट फर्म्स हमारा साथ दे रही है इसको लोन करने में। तो बताना चाहूँगा जिस तरह कैनरा बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ये सब हमारे साथ जुड़ी हुई है इसको लोन करने में। बट हाँ, हालांकि जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि लोन की फॉर्मेलिटीज़ इतनी है कि कई लोगों को लोन मिल नहीं पाता, कई लोगों को लोन मिल जाता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आते हैं। तो वही वाली बात है कि लोन प्रोसेस इज़ लाइक बहुत लंबा है, तो हर कोई जो बेरोजगार है ज़रूरी नहीं है उसके पास हर कागज़ हो, हर चीज़ें हों। तो हम यही सरकार से, यही मैं पहले भी बताया था आपको, निवेदन करूँगा कि और बैंक्स के साथ टाई अप करें, प्लस जो ये लोन फॉर्मेलिटीज़ है इसको कम करें और आसानी से सबको लोन प्रोवाइड करें। किस किस तरह की सहूलियत चाहते हैं आप लोग? अरुण जी आपका जिक्र रुक कर रहा हूँ मैं, किस किस तरह की सहूलियत चाहते हैं लोन के मामले में आप लोग? सहूलियत यही चाहते हैं कि जैसे जिस तरह सब्सिडी जो है वो कम करे, प्लस जो आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कम करे, प्लस इजी इंस्टॉलमेंट दे, क्योंकि जिस तरह हम देखें कि जो बैंक है, बैंक का फाइनेंस और एक प्राइवेट फाइनेंस में ब्याज और सब चीज़ों का कैलकुलेशन लगाता है, जो भी रिक्शा लेता है वो हर चीज़ की कैलकुलेशन करता है पूरी, तो जो प्राइवेट है उनका ऑब्वियस है महंगा पड़ता है बजाय बैंक के। तो मैं वही चाहूँगा कि जो बैंक के लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब वैसे ही कम है, तो मैं वही चाहूँगा कि बैंक और बैंक टाइप करें और इससे कम अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उस पर भी काम करें। बिल्कुल विकास जी मैं आपका रुख करना चाहूँगा, आपने जैसा कि पहले जिक्र किया कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया सब्सिडी का लेकिन अभी तक सब्सिडी नहीं दी, क्या लगता है आपको लोन की दिशा में सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए और आपका ई रिक्शा कौन कौन से बैंक अभी लोन कर रहे हैं? लवली जी मैं आपको वापस ही सरकार आपके माध्यम से सरकार की आंख खोलना चाहूँगा। लवली जी मुझे याद है राष्ट्रपति मैदान दिल्ली के अंदर नितिन जी गडकरी ने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत हम 4% के ऊपर ई रिक्शा पे लोन देंगे। सर आप बात कर रहे हैं 4% के ऊपर, यहाँ पे 18% 19% पे वो गरीब तबके का आदमी लोन लेने के लिए मजबूर है। सर वह अपने घर के जेवर, घर के कागज़ रखने के बाद भी उसको 18% का लोन लेकर ई रिक्शा खरीदना पड़ रहा है। कुछ एक बैंक है जो हमारा साथ दे रही है, जैसे देना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, वो कैनरा बैंक है, यह बैंक हम लोगों का साथ देकर ई रिक्शा पे लोन दे रही है, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा है सर, मतलब वो लोग मांगते हैं पैन कार्ड लाइए, इनकम टैक्स रिटर्न लाइए, गारंटर लाइए। सर गारंटर भी ढूंढना एक ई रिक्शा वाले व्यक्ति के लिए बहुत तकलीफ का विषय हो जाता है सर। तो मैं चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत जो उन्होंने घोषणा की थी कि 4% पे लोन होगा, उसको राशन कार्ड से जोड़ दिया जाए, उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, उसके बाद उस पर लोन दिया जाए, कम से कम फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर लोन दिया जाए, जिससे ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का उत्थान हो सके, बेरोजगारी कम हो सके, गरीब व्यक्ति अपना पेट पाल सके। और सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, उसका कारण यह है रोज़ का खर्चा 35 रुपये, महीने के 1050 रुपये का बिजली का बिल आता है और रोज़ का 800 से 1000 रुपये कमाता है, कोई खर्चा नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, महीने का मुश्किल से 50 रुपये का मेंटेनेंस, इससे अच्छा उसके लिए रोज़गार का साधन नहीं हो सकता सर। आज के समय में जो व्यक्ति 20,000 रुपये महीने का कमाना चाहे वह एक ई रिक्शा ले आए, दिन में 8 घंटे काम करे, रात को 12 घंटे चार्ज करे और 4 घंटे घूमे पिए खाए पिए, तो उसके लिए इससे अच्छा साधन नहीं है। लेकिन अगर सरकार अपनी आँख खोल ले, अपने कमिटमेंट पूरे कर ले, तो ई रिक्शा में क्रांति आ सकती है, रोजगारी मिल सकती है, गरीब तबके का लोग भी इनकम टैक्स भर सकता है सर, अगर ई रिक्शा पे सरकार उनकी हल्की सी मदद कर दे, ऐसा मेरा मानना है, उनका उत्थान होगा और वो लोग आशीष देंगे सरकार को। बिल्कुल अरुण जी मैं आपका रुख करना चाहूँगा, सरकार से मदद की बात बार बार उठ रही है, सरकार मदद करेगी भी सही क्योंकि इस मंच के माध्यम से सरकार तक आवाज़ भी पहुँचेगी, आपको क्या लगता है बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम या निभा रहा ई रिक्शा? जैसा बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा जो गरीब लोग हैं, जो अपना पेट पालने के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं, बहुत उनकी मदद कर रहा है, जिस हिसाब से हमारे दोस्त ने बताया कि उस पर खर्चा कम है और रोज़ के वो 800-1000 रुपये कमा रहा है, जिसमें वो 300 रुपये अगर किराए पे भी चलाता है 300 रुपये किराया दे रहा है, 50 रुपये उसका बिजली का चार्ज करने का दे रहा है,
उसके बाद भी वो अपने घर दो पैसे बचा के लेके जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को मैंने एक ऐसे ही एफएम पे कुछ सुना जिसमें ये था कि एक बंदा अपने बेटा और वाइफ का घर चलाने के लिए वो ई रिक्शा, पैडल रिक्शा चला रहा था। थोड़े टाइम बाद उसका पाँव कट गया। पाँव कटने के बाद उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो घर चलाने के लिए पैसा वैसा कहाँ से लाया, तो उसका बेटे ने रिक्शे के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक रिक्शे के बारे में। उसने किसी से बात की, उसने अपने घर वालों से बात की, और उसके बाद उसने रिक्शे के ऊपर रिसर्च की। रिक्शे पर रिसर्च करने के बाद उसने उस रिक्शे को ख़रीदने की कोशिश की, बट हुआ वही कि वही बैंक के कागज़, बैंक की फॉर्मेलिटीज़, लोन, वो सब ना होने के कारण उसको अप्रूवल नहीं मिला रिक्शे का। बिल्कुल, सहूलियतों की आवश्यकता है, और शायद सहूलियतें मिलेगी तो आम लोगों के लिए बेरोजगारी तो मिटेगी लेकिन साथ ही साथ में प्रदूषण को रोकना भी आसान साबित होगा। राजस्थान का रुख, राजस्थान की बात करें अरुण जी, तो राजस्थान के अंदर कंपनी किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग कर रही है फिलहाल? कंपनी जिस तरह बताना चाहूँगा, कंपनी जिस तरह आपके एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कंपनी का प्रमोशन करने के लिए ब्रांडिंग कर रही है, रिक्शों के पीछे स्टेपनी कवर और कैप्स, टी शर्ट, उससे पब्लिसिटी कर रही है, प्लस पूरी मार्केटिंग कर रही है बाज़ार में, लोकल सर्च करी कि कहाँ रिक्शों की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और मेट्रो, हालाँकि देखा जाए तो मेट्रो आने के बाद मेट्रो स्टेशन पे रिक्शे की काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त, जो कि पैडल रिक्शा और एक बैटरी रिक्शा में दिन रात का फ़र्क है। जो बैटरी रिक्शा आपको कुछ समय में पहुंचा देता है, वो पैडल रिक्शा थोड़ा टाइम लेता है उस जगह पहुंचने में। बिल्कुल विकास जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर किस तरह की भविष्य की योजनाएं जो हैं वो आप लोगों ने तैयार कर रखी है कंपनी को नंबर वन लाने के लिए? सर, नंबर वन और नंबर दो का विषय नहीं है सर। सर, नंबर वन चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई भी आए, नंबर वन या नंबर दो आने की विषय नहीं है सर। विषय यह है कि ई रिक्शे का जो भविष्य है वह एकदम उजागर भविष्य है। मेरा ऐसा मानना है कि 2018 के अंदर हम 2,00,000 ई रिक्शा राजस्थान में कम से कम देखेंगे सर। 2,00,000 ई रिक्शा, इसका मतलब हो गया 2,00,000 को डायरेक्ट रोजगार और 25,000 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार राजस्थान के अंदर दिखेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ई रिक्शा के लिए लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बात का कटाक्ष करूँगा कि मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है सर ई रिक्शा के लिए। जिसका ई रिक्शा बेहतर है, उसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो वह ई रिक्शा का जो चलाने वाला व्यक्ति है वह खुद ही अपने आप ग्राहक लेकर आता है सर। मतलब आज जिसका रिक्शा बढ़िया है ना सर, तो उसको मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जो चलाने वाला व्यक्ति है वही अपने आप में ग्राहक लेके आता है कि साहब मेरा रिक्शा लीजिए, मेरा रिक्शा लीजिए, मेरा रिक्शा लीजिए, ये रिक्शा का एवरेज अच्छा है, इस रिक्शे में ये कमी है, इस रिक्शे में वो कमी है। देखिए, सुधार की आवश्यकता हर फील्ड में होती है, और सुधार जो होगा तो उसके बाद ई रिक्शास का जो महत्व है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ई रिक्शास का उपयोग जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। क्योंकि राजधानी जयपुर की बात करें तो एक आंकड़ा जो अभी निकल करके सामने आया परिवहन विभाग के सूत्रों से, 5,000 ई रिक्शास जो है, लीगल और इलीगल ई रिक्शास, फिलहाल जयपुर की सड़कों पर 5,000 से ज्यादा ई रिक्शास जो है वो दौड़ रहे हैं। और प्रदूषण के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण का आंकड़ा ये बताता है कि लगातार राजधानी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जयपुर की अगर हम बात करें राजस्थान के अलावा कमोबेश, तो वहां पर भी प्रदूषण का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें कहीं कही ना कहीं गंभीर जो है वो सभी लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और शायद ई रिक्शाज भी इसको लेकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अरुण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, सरकार ने 5,000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है, सरकार के जो इनडायरेक्टली जो आंकड़ा जो हम तक पहुंचा है वो 5,000 से ज्यादा का पहुंचा है। लीगल ई रिक्शाज तो आप लोग बेच रहे हैं, लेकिन इलीगल ई रिक्शाज जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उनसे किस तरह के खतरे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा लवली जी, जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि पुराने जो अब आजकल तो लीगल रिक्शा चल रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस, अप्रूवल सब कुछ गवर्नमेंट, आरसी वगैरह और नंबर प्लेट वगैरह सब आ रही है, जो पुराने जो रिक्शे चल रहे हैं उससे बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि पुराने रिक्शों का कोई नंबर प्लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे खतरे यही है कि कल को वो किसी को टक्कर मारते हैं या चोरी होते हैं, तो वो उन्हीं के लिए हानिकारक है कि जिनका रिक्शा है, चोरी होता है तो उसके लिए है, बाकी किसी को टक्कर मारता है तो सामने वाले के लिए है वो। तो इसे सरकार को जल्दी बंद करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई रिक्शे का कुछ नहीं पता, ना कोई लाइफ है आगे की क्या है क्या नहीं है। प्लस ऑब्वियस पुराने जो रिक्शे चल रहे हैं वो आधे से ज़्यादा तो चाइनीज़ मेड चल रहे हैं ब्रांड जयपुर में, तो मैं उसी भी बताना चाहूँगा कि वो रिक्शे बंद हो और जो अप्रूवल के साथ रिक्शे आ रहे हैं वो रोड पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा निकलें रिक्शे, उसमें हमारा सहयोग गवर्नमेंट ही कर सकती है। बिल्कुल, अंत में आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार से किस तरह की आस आप लोग रखते हैं, सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? पहले मैं रुख करूंगा विकास जी का। सर, जब भी सरकार की बात आती है लवली जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप रुख मेरी तरफ कर देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सर, मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो ई रिक्शा की फैक्ट्री लगा रहे हैं
मेक इन इंडिया के तहत उनको सब्सिडी भी दी जाए, चाहे वो सब्सिडी एक्साइज के रूप में हो, चाहे वो सब्सिडी वैट के रूप के अंदर हो, चाहे वो सब्सिडी उनके लोन के रूप में हो, लोन में कम ब्याज दर के ऊपर कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगा सकता है। सर आज अगर हम बात करते हैं ई रिक्शा में, तो ई रिक्शा में आज भी काफ़ी ड्रॉबैक है, जैसे कि उसकी बैटरी 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाती, 90 किलोमीटर चल पाती ज़्यादा से ज़्यादा, 100 किलोमीटर 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद उसकी बैटरी ख़राब होने लग जाती है। तो टेक्नोलॉजी की आज भी ज़रूरत है। एक टेक्नोलॉजी सेंटर बने सर, एक ट्रेनिंग पार्क बने जयपुर राजस्थान के अंदर, जो ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जाए लोगों को। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए भी सरकार को अपना ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से बेहतर ई रिक्शा बन सके। बाहर विदेशी लोगों को इन्वाइट किया जाए राजस्थान के अंदर, जो बेहतरीन बैटरियाँ बना सके, जो बेहतरीन पार्ट्स बना सके। या नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है मेक इन इंडिया के तहत ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ई रिक्शा में जो पार्ट्स लगते हैं वह बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की हों, जिससे हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकें। आज सर हम ई रिक्शा बनाते हैं तो यह सोच के बनाते हैं कि हम अच्छा से अच्छा ई रिक्शा ग्राहक को दें, जिसने जिसका वो पैसा दिया है उसको उतना आनंद मिल सके। तो इसके लिए हमारी सरकार से यह विनती रहेगी कि वह टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत खर्चा बिल्कुल करें। बिल्कुल अरुण जी, आपसे भी संक्षिप्त में जाना चाहूँगा कि आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे सरकार से। मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं लोन की, वो सॉल्व की जाए, प्लस एक सर्विस स्टेशन प्रॉपर जो भी कंपनी है बाज़ार में वो प्रॉपर सर्विस दे ग्राहकों को, और जितनी भी जो भी वेयर हाउस या कुछ भी है उन पे प्रॉपर उनका मेंटेनेंस रहे सरकार की तरफ से, प्लस चार्जिंग पॉइंट दे, प्लस एज इफ एक वो खोले जिसमें लोगों को इसके बारे में बताया जाए, इंट्रोडक्शन दिया जाए कि रिक्शा कैसे आगे आने वाले टाइम में किस तरह हम लोगों का। बिल्कुल जरूर, उम्मीद है सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी। दोस्तों, हमारे देश को पॉल्यूशन फ्री बनाने की दिशा में देश के अंदर एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, लेकिन ये मुहिम तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक आप और हम मिलकर इस दिशा में कुछ ना कुछ जरूर करें। इस उद्देश्य के साथ हम लाए थे आज का हमारा एक खास शो, और इस शो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि ई रिक्शास का क्या महत्व है और आने वाले समय में प्रदूषण को रोकने के लिए कितना महत्वपूर्ण ये साबित होंगे। आज के शो में फिलहाल बस इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप मार्केट फर्स्ट से जुड़े शोज को देखना चाहते हैं और हर वक्त खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के हमारा शो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।